32 वर्ष तक साथ देने वाले बेल का किसान ने किया अंतिम संस्कार, वजह जानकर आप रो पड़ेंगे। ये कहानी है राजगढ़ जिले के छोटे से गांव ग्राम कांकरवाल के किसान की। बेल के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार सगे संबंधियों की तरह किया गया। देश में जानवरों को भी घर के सदस्य के रूप में माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। आज के समय जहाँ खेती में दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकी आ रही है, वहीं पुराने समय में लोग बैल से हल जोतकर खेती किया करते थे। आजकल के लालची लोग जो दूध बंद होते ही गौ माता को दर दर भटकने छोड़ देते हैं। बैल अगर बूढ़ा हो जाए तो उसको घर से भगा देते हैं। लेकिन राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम कांकरवाल में शुक्रवार को एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। एक ऐसा ही धरती का लाल है रमेश चंद्र चंद्रवंशी, जिसने अपने बूढ़े बैल की अंतिम सांस तक सेवा की और जब बैल शांत हुआ तो उसका विधि विधान के साथ मोक्ष कर्म भी किया है। देखिए पूरी खबर मंडावर से, होकम प्रजापति की रिपोर्ट। वो बैल हमारा बहुत पुराना था, कम से कम उसकी उम्र 32 साल हो गई थी। 2012 में जब ट्रैक्टर लिया था तो हमारे पिताजी ने कहा कि ये दोनों बैलों की सेवा करो, इनके ही आशीर्वाद से ये ट्रैक्टर लिया गया है। तो हमने दोनों बैलों की सेवा करी। इसके बाद में एक बैल तो भगवान को प्रिय हो गया था और ये जो दूसरा बैल बचा था ये कम से कम मतलब 2012 के बाद से अब तक इसकी सेवा चलती आ रही थी। तब से फ्री था, इससे हम कोई काम नहीं लेते थे। लेकिन हमारे मन में एक खुशी इस बात की थी कि जब से ये बैल आया था उस दिन से हमारे घर में मतलब दिन प्रतिदिन तरक्की होती जा रही थी, हमारी मतलब हालत में सुधार, घर में प्रगति सब बात से। तो हमारी एक उस बैल से आत्मीयता जुड़ गई थी। बैल का नाम हमने रामू रखा था। अगर हम रामू नाम बोलते तो वो तुरंत कोई भी मतलब प्रतिक्रिया देता था और घर में जहां हम रामायण पढ़ते हैं, एक दिन छूटा छोड़ दिया तो भगवान के मंदिर में भी पहुंच गया। इस प्रकार से वो भाग्यवान बैल था। और जब वो गया 8 दिन तक वो खड़ा रहा, मतलब खेत में घूमता रहा पूरे में। जब वो बैठा नहीं तो यहाँ पर हमने 4-5 लोगों ने मिलकर उसको बिठा दिया। जब बिठा दिया और वो उठा नहीं, उठने की नहीं बनी, तो फिर हमने सोचा कि यार कहीं इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, तो हमने डॉक्टर से सलाह ली। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी उम्र हो चुकी है, ये इसको हम कोई इलाज नहीं कर सकते अब। फिर हमने दूसरे दिन उसको गीता जी सुनाई, फिर तीसरे दिन तक 3 दिन तक हमने उसको गीता जी सुनाई और चौथे दिन वो मतलब शांत हो गया। तो उसका हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने एक परिवार के सदस्य की भांति उसका ढोल धमाकों से और आतिशबाजी से उसका मुक्ति धाम तक पहुंचा है। सड़कों पे दिन प्रतिदिन गायों की घटना घट रही है, इसको लेकर क्या संदेश है आपका? सड़कों पे जो गौ माता घूम रही है, लोग काम लेकर के बूढ़े बैलों को छोड़ देते हैं, ये बहुत दुख की बात है और रोड पर देखने पर बहुत पीड़ा होती है। लेकिन मेरा ये संदेश है, मेरा ये नम्र निवेदन है सबसे कि कम से कम अपने घर में एक गौ पालन तो हो, तो ये रोड पे जो गायें घूम रही है ये कम हो जाएगी, रोड पे नहीं रहेंगी। कुत्ते पालने की बजाय गौ पालन किया जाए, मेरा यही सबसे नम्र निवेदन है।